पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर हमने कल 1 कर लिया है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 में। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए b का पुट रखना है भाई, इक्वल बराबर 0 और इसका 1 और यहां पर 2 ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें जहां y है वहां पर हमें पहले पुट 0 रखना है, y इक्वल 1 और y इक्वल 2, यानी कि ये मान पुट करके हमको देखना है और मान निकालना है। यहां पर मैं मान रख के देखता हूं कि यहां पर सॉल्व p यानी पुट यानी कि मान रखा हमने y इक्वल 0, यानी कि y की जगह मैंने रखा है 0, जहां इस इक्वेशन 1 में हमने y इक्वल बराबर 0 यानी कि y की जगह हमने रखा 0, तो यहां पर p और y की जगह हमने क्या रखा 0 थे 0 और इक्वल तो इक्वल और y की जगह क्या रखा हमने 0, यानी कि ये 0 का होल की पावर 2 माइनस और y की जगह हमने रखा 0 और प्लस तो प्लस और 1 तो 1 और यहां पर 0 p 0 और यहां पर 0 की पावर 2 है तो 0 × 0 0 का हमने 0 में इनटू हुआ तो 0, तो यहां पर आंसर आया 0 और माइनस 0 और प्लस 1, 0 में से 0 गया तो बेटा 0, यानी कि यहां पर आंसर आया p और 1, यानी कि हमारा आंसर आया 1। अब यहां पर पुट करते हैं, y की जगह हमने 1 रख दिया, अब यहां पर y की जगह क्या रखते हैं 1, अब यहां पर y की जगह हमने 1 रखा इक्वेशन नंबर 1 में, ये 1 और यहां पर y की जगह हमने 2 का को 1 की पावर 2 और माइनस को माइनस और y 1 और प्लस को प्लस और 1 तो 1, यानी कि यहां पर मैंने y की जगह किसको रखा 1 को, अब यहां पर 1 की पावर 2 यानी 1 * 1 यानी 1 के घात कितने रखे 2, तो 2 पे हमने 1 को हमने 2 टुकड़े में कर दिया 1 * 1 1 1 जा 1 1 यानी कि यहां पर आंसर आया 1 को माइनस 1 और प्लस का 1, यह प्लस माइनस का और ये प्लस का हमारा आंसर आया 1। अब हम पुट करते हैं y बराबर 2, यानी कि y बराबर 2 को हम रखते हैं, तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में हम रखते हैं कि y की जगह हमने 2 रखा, फिर बराबर तो बराबर y की जगह हमने 2 रखा तो 2 की पावर 2 और माइनस तो माइनस y की जगह 2 और प्लस तो प्लस और 1 तो 1। अब यहां पर 2 की पावर 2 है तो यानी 2 * 2 यानी जब पावर जितनी जिसके ऊपर पावर जितनी होती है उसको उतनी बार तोड़ा जाता है, यहां पर 2 की घात कितनी है 2, यानी 2 को कितनी बार तोड़ना 2 बार, यानी 2 * 4, अब यहां पर आंसर आया हमारा 4 - 1 तो माइनस 2 तो 2 और प्लस 1 तो 1। अब यहां पर हमने प्लस प्लस वाले इसको हमने अलग प्लस किया और माइनस वाले, यहां पर 4 और 5 और यहां पर माइनस का 2, यानी 5 में से 3 गए 2 गए तो बेटा 3, यानी कि p 2 और यहां पर इक्वेशन नंबर आंसर आया 3। और यहां पर होमवर्क दिया जा रहा है, तीन क्वेश्चन होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन के होमवर्क को हल जरूर करें और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके या शेयर